ऑस्ट्रेलियन मीडिया रो रहा है भाईजान, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की फिर ले ली है, फिर ले लिया अबू ने बच्चे की फिर ले लिया, और इंडिया ने तो ले लेना मतलब ऑस्ट्रेलिया की लेता रहता है, आम बात है, आम बात है। रो रहा जी ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे हारने पे। इयान चैपल जो कि कल स्टेटमेंट दे रहा था कि जी इंडिया को हम वनडे में देख लेंगे, इंडिया को वनडे में हरा देंगे, और रिकी पोंटिंग क्या बकवास कर रहा था कि जी वनडे में तो इंडिया को हम हराएंगे, उसके बाद हमारे पास WTC का फाइनल भी पड़ा हुआ है। एल पड़ा हुआ है आपके साथ बगैर, तो आपको लानत है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक ही मैच में अगर कोई टीम दो दो दफा कमबैक करे, यानी पहले जो है वो बोलिंग में कमबैक करे, एक कमाल कमबैक करे, ऐसा कोलैप्स ट्रिगर करे, और उसके बाद फिर बैटिंग में जब कोलैप्स ट्रिगर हो तो उसको जिस तरह होल्ड करे और वो करे, और कहते हैं ना KL राहुल देर आयद दुरुस्त आयद, बट इवेंचुअली आयद। सो यस, अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडिया इन दिस फर्स्ट, 5 विकेटों से जीत हासिल की इंडिया ने। KL राहुल जिस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, आपको कहा है कि भाई थोड़ा सा हौसला कर लिया करें, थोड़ा सा सबर कर लिया जा करें, जहां पे भी जरा थोड़ी सी ट्रिकी पिच होती है या गेंद फंस के आ रहा होता है, आपके बैट्समैन जो है ऊपर वाले नहीं कुछ कर पाते, तो ये आपके लिए मैच जिताता है, मैच निकालता है आपके लिए। एक बात मैं पहले बता दूं, कुछ लोग जो है वो बड़े बड़े सालों से बांसुरी बजा रहे होते हैं, और बजाएं वो, उनकी बज रही है, ठीक है, वो चलते हैं झंडों पे कि यार ये टीम में, ये हमारे यहाँ भी यही होता है कि अब 2 महीने शान मसूद को टीम में डलवाना है, हाँ। इसके अब्बू से खर्चा आ गया है, ठीक है, तो हर आदमी को शान, अब बाबर को कल उड़ा दो, बाबर ने रन कर दिया तो आज बचा लो, ये वाले हम ये वाले लोग नहीं है, हम करते हैं क्रिकेट पे बात। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में 5 विकेट से हरा दिया, जहां पर KL राहुल और रविंद्र जडेजा ने भारत की डूबती नैया को पार लगाया, और भारत को पहला वनडे मैच जीतने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, जहां पर KL राहुल के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि KL राहुल इंडियन टीम में फिट नहीं है, जहां पर KL राहुल ने रन्स बनाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अब भी उनकी टीम इंडिया में उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी, जहां पर रविंद्र जडेजा ने भी विकेट्स और रन्स बनाकर बता दिया पूरे दुनिया को कि वो ODI के भी नंबर 1 ऑलराउंडर है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने इन दोनों की वाहवाही करते हुए कहा कि पाकिस्तानी प्लेयरों को भी इन दोनों से सीखना चाहिए कि कैसे डाउन दी ऑर्डर आकर मैच जिताया जाता है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह हराया था, पर पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया का कोई भी जवाब नहीं था। पर पिछले 10 सालों से भारत एक इकलौती टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी हराती है और ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी हराती है, जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम अगर भारत से भिड़ती है तो वो सबसे ज़्यादा नर्वस हो जाती है। पाकिस्तान टीम को भारतीय टीम से ये भी सीखना चाहिए कि कैसे होम एडवांटेज लिया जाता है, क्योंकि आज हर एक टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हरा देती है, पर भारत को भारत में हराना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या पाकिस्तान भारत से कुछ सीख पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी हार लिखी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जलील होने के लिए आए हुए हो। उस दिन भाईजान मैंने क्या बात की थी कि वो अब्बू आपके ने 186 करके आपको ये बताया था कि वो आपका अब्बू है, ऑफिशियल अब्बू है वो वर्ल्ड क्रिकेट का, एक वो घंटा बैठा हुआ बकरी बाबर आजम, वो होता ना तो आप मैच जीत जाते, इट्स नथिंग अ बिग डील, क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ तो मैच जीतना मुश्किल बात है ही नहीं। जिम्बाब्वे आगे हरा के चली जाती है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर क्या ही बात है ना। पाकिस्तान की टीम भाईजान हार जाती है, मुझे भी पता है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मुझे पता है कि हम हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इंडिया के आगे नहीं, इंडिया के आगे बेटा नहीं चलेगी आप। इंडिया तो आपको ना तपा तपा के मारेगी और मार रही है, पिछले 5-10 सालों से आपको मार रही है। जितना जलील हालत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हुई है ना, इतनी ऑस्ट्रेलिया की किसी बंदे ने आज तक किसी टीम ने भी नहीं की। KL राहुल भाई, 100 सोनार की 1 लोहार की, हमारे अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है। हम सारे KL राहुल क्रिटिक छुपते फिर रहे हैं, जगह ढूंढते फिर रहे हैं कौन से कोनों में छुपना है, और जो KL राहुल सपोर्टर हैं वो आज अपने में कह रहे हैं
और हमारे लायक और क्या खिदमत है। तो केएल राहुल सपोर्टर एंड केएल राहुल क्रिटिक, लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म का धंधा है ना भैया, ये भी बड़ा मुश्किल धंधा है। सब भूल जाते हैं कि भैया अगर कोई कमबैक जिंदगी में, हम इसलिए थोड़ी क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि कभी जिंदगी में कमबैक करेगा ही नहीं या वो खत्म हो चुका है, हम उस फेस को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन केएल राहुल कमाल खेले, जम के खेले, कमाल लाजवाब राहुल की तरह खेले, फाइनली खेले और अन्ना के शहर में खेले, सुनील शेट्टी के शहर में खेले। सुनील शेट्टी भी आज जो जो बाहर निकलेगा उसको बोलेगा हाँ भाई, हाँ भाई वेंकटेश प्रसाद इधर आओ, तुम ससुराल में खेल आओ, किधर किधर किधर। देखा हमने अपने लड़के को अपने घर में खिलवाया, कैसा हमारा लड़का खेला। आज फिर एक फंसा हुआ मैच था, जाहिर है कि जब आपके 44 पे चार फॉर द चार और 83 पे पांच ट्रिकी सूरत हाल थी, एक विकेट और गिरता तो आपके जो है प्रॉपर ऑलराउंडर वो आ जाते। चलो जडेजा को तो आप बैट्समैन माने ना क्योंकि बहुत शानदार बैटिंग करता है और 45 पे नॉट आउट, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा के गया। लेकिन केएल राहुल 75 नॉट आउट, अभी पीछे भी एक मैच था जिसमें ये बड़ा शानदार खेला था और इसी ने जिताया था वो मैच भी, इसी ने भी मैच जिताया था। अगेन ऊपर नीचे इस तरह के मैचेस में ये आपके लिए परफॉर्मेंस दिखा रहा है, विकेट कीपिंग भी बड़ी शानदार की है इस मैच में, तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है भाई। तो थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए कि जहां पे एक बंदा अच्छा कर रहा है यू नीड टू अप्रिशिएट इट, ऐसा नहीं कि हाथ धो के सारे उसके पीछे पड़ जाए ए टू जेड सारे के सारे। तो बहुत शानदार बैटिंग किया दोनों ने भाई, केएल राहुल और जडेजा ने, मेक श्योर किया कि आखिरी रिकग्नाइज्ड प्लेयर खेल रहा है। अगर कोई एक आधी विकेट और गिरती तो फिर जाहिर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर आते हैं। जडेजा को आप बोल रहे हैं बैटिंग बॉलिंग, मुझे तो दोनों बराबर लगते हैं, दोनों में शानदार है। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला केएल राहुल भी और मैच जिता के गया, वरना इमेंस प्रेशर डाला हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने। और जब स्टार्क अमेजिंग यार, अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। और विराट कोहली को पहली जो चार पांच गेंदे उसने गिराई है, एक दो पे बीट किया है, एक दो पे पैड पे लगी है, लेकिन ये बिल्कुल प्लम जिस पे वो आउट हुआ। और सूर्य कुमार यादव का अंपायर ने नहीं दिया था रिव्यू लेके उसने लिया, ही वॉज अमेजिंग। एनीवेज बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा दिया लड़के ने केएल राहुल ने। हम करते हैं क्रिकेट पे बात ना, हमने कभी ये कहा कि राहुल की क्रिकेट ही नहीं है, वो बेकार खिलाड़ी है। लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि बाबर आजम या राहुल, मैं दोनों को मिला के बात करूं, आप बोलोगे अभी से बाबर कहां से आ गया, मुझे बाबर पर फिलहाल कोई बात नहीं करनी। अब हम बताते हैं कि मैंने ये बात क्यों की। पीसीबी ने बाबर को इशारा दिया कि तू रेस्ट कर रहा है जबरी, बाबर का कल बेस्ट आ गया निकला, राहुल को टेस्ट से जब ड्रॉप किया रखा हुआ था कि यार हम मजबूर हो गए हमें लोगों को जवाब देना है, तो राहुल ने आज मैच जिता दिया और ऐसी विकेट पे मैच जितवाया, बजायर ये विकेट सही थी, इस पे ना तो कोई एक मीटर का इफ्फी भाई बॉल टर्न हो रहा था। संदेह नहीं होंगे वासी ने, अखुल्ला ने, राहुल ने मैच जितवाया, रन्स नहीं किए, हाँ मैच जितवाया, जो हाँ। जो पंच है इसके अंदर वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है कि मैं अकेला खड़ा हो गया जब सारे तुर्रम खान निकल गए, आखिरी वाला बना के जाऊंगा, सूर्या भी नहीं 380 मार सके, ठीक है ईशान किशन भी फारिग हो गए, सिमरन गिल भी बहुत डेंजरसली खेल रहे थे, चांसेस मिले उनको दो स्लिप में छूटे, उसके बावजूद निकल के केएल राहुल वाज द वन ओनली जो काम एंड कूल कस्टमर, पांड्या भी नहीं रुके, देख लेना वो शुरली निकाली निकल लिए, तो केएल राहुल जब खड़े हुए आगे तो उनके ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ये थी कि उन सवालात का जवाब देना है कि ये बोलता कम है, ये सुन चलता है, ये किसी से बात नहीं करता, इसकी एक्सप्रेशन लेस है, मतलब कोई एक्टिविटी उनकी बॉडी लैंग्वेज पे नजर नहीं आती, मगर भाई विकेटों के पीछे जो उसने आज कैच लिया उसके बाद वो खामोश नहीं हुआ, आज दिखाया उसने कि बल्ला लेके बैठा हुआ था, मैं ऐसा नहीं था कि मैं शादियों की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गया था अतिया के साथ, या हनीमून के मजे ले रहा था, या मुझे नींद आती है बैठे बैठे, उसने बताया कि भाई किस तरह से मैच को निकालते हैं, यानी कि जबड़े से निकाले नामुमकिन हो गया था एक वक्त में, ऐसा लग रहा था कि